Hi guys, welcome back to our channel Crazy Family BX. BX बोले तो billions of stars and welcome back to our new vlog. सबसे पहले छोटों को प्यार, बड़ों को आज की राम राम, बाकी सबका स्वागत है हमारे इस vlog में. तो guys, आज है मंडे और बाहर बारिश आ रही है और परू की तबीयत भी खराब है. जी हाँ, ऐसा नहीं है आज का आपको व्लॉग नहीं मिलेगा, आज का आपको व्लॉग मिलेगा और बल्कि बढ़िया मिलेगा. पूछिए क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक नए हिडन प्लेस में लेकर जाने वाला हूँ, जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा. जी हाँ, शीश महल. बारिश आ रही है लेकिन आदमी को काम करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता, तो मैं भी नहीं रुकूंगा आज. चलिए आप लोगों को सबसे मिलवा दूं फटाफट से. और सबसे पहले ये बदतमीज जानवरों वाले कुत्ते से मिलिए हमारे. ये देखिए, ये हमारे खाने के टेबल पे आगे बैठ गया है, पसर गया है. ओए खड़ा हो, चल खाना खाना है हमें, नाश्ता करना है, चल खड़ा हो जल्दी. चलिए गाइस, टाइसन से तो आप मिल चुके हो, लीजिए संजना से मिलिए. आइए आपको इटुकले चिटुकले में से मिलवा दूं. बिना कट किए आज मैंने आप लोगों को सबसे मिलवाया है. लीजिए मिलिए इटुकले चिटुकले से भी मिलिए गाइज. इटुकले चिटुकले पिटुकले कल्लो कल्लो ऊपर बैठी है आज, कल्लो माई पीछे रही. चलिए गाइज नाश्ता कर लूँ और नाश्ता करके निकलता हूँ घर से बाहर और दुकान खोल करके फिर चलेंगे शीश महल. मेरा फ़ोन भी बच गया इतने में. चलिए मिलता हूँ आपसे अभी. आज मंडे है और स्कूटी में थोड़ा पेट्रोल कम है, तो थोड़ा पेट्रोल पहले डलवा लूँ फिर आगे निकलता हूँ, ऐसा ना हो कहीं अटक जाऊँ. लेके जा रहे हैं शीश महल. जी हाँ, शीश महल नाम से तो लग रहा है बहुत बड़ा कोई किला होगा, लेकिन ये शालीमार बाग में एक हिडन प्लेस की तरह रह गया है. आगे की तरफ इमारत है और पीछे एंड में शीश महल. ये होता तो कभी राजा महाराजों का था, आज ये चलिए देखते हैं इसको और फिर डिसाइड करते हैं कि कुछ इसमें खोजने लायक है या नहीं. ये है शीश महल का मेन गेट. सब कहते हैं इसको पार्क में तब्दील कर दिया गया है, एक्चुअल में ये सच्चाई है. डीडीए ने इसे एक्चुअल में पार्क घोषित कर दिया है. ये पार्क इसलिए बना दिया गया है क्योंकि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस शीश महल को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब बोला है कि ये इस तरह की चीज़ नहीं है. लेकिन आप लोगों को मैं इसकी खूबसूरती दिखाऊँगा ना, तो आप लोग भी हैरान हो जाएंगे. यहाँ बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि हाइट ही कुछ नहीं है, छोटे छोटे एकदम. चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं शीश महल की तरफ. बारिश की वजह से सारा कबाड़ा हो रखा है, पानी पानी हो रखा है, और चूंकि ट्रैक भी मिट्टी वाला है तो इसलिए ज़्यादा तंग कर रहा है. लेकिन हमारी तो आदत है, आपको बताइए, छोटे खतरों के खिलाड़ी हैं हम. अभी अभी पता चला है कि ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर आ गया है, लेकिन पहले ये नहीं था और इसको अब अच्छी तरह से प्रॉपर लॉक कर दिया गया है. एंट्री सबके लिए खुली हुई है लेकिन कोई पशु ना घुसे अंदर, इसीलिए इसको ठीक से देख रेख के लिए रखा गया है.
मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ये बहुत सुंदर है बट इसकी कोई देख रेख नहीं है, तभी ये बेकार है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी क्या हालत हो गई है, दूर से आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए बर्बाद है, लेकिन यहाँ से देखिए ये इसकी फ्रंट लुक थी, कभी गेट था, ये दरवाज़ा था और ये था शीश महल, जिसकी अब सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी टूटी हुई। चलिए ये जहाँ हम खड़े हैं ये था, यहाँ पर फुव्वारे निकलते थे, यहाँ से फुव्वारे थे, ये पानी के लिए रखा गया था ये महल में जाने के लिए। तो एक अच्छी बात है कि हम लोग अंदर की तरफ सेफ हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, लेकिन ये एकदम और भी अनसेफ हो जाता है हमारे लिए। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें कोई चोट चपेट लगी तो कोई उठाने वाला भी नहीं है। और आज मैं आया भी अकेला हूँ, क्योंकि मैं खुशी को एक्चुअल में ऐसी नई दराज जगह पर लाना नहीं चाहता था और वो स्कूल भी गई हुई है, परंतु मैं खुद ही आना चाहता था, लेकिन मल्होत्रा जी के घर पे दीपावली की सफाइयाँ चल रही हैं तो थोड़ा सा उनके घर में काम चल रहा है इसलिए वो आ नहीं सके। तो मैंने कहा भाई बहुत दिन हो गए आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दी, चलिए आज ये वीडियो बनाते हैं आप लोगों के साथ चल के। ये चाचा जी हमने उतार के दिखा रहे हैं और अब हमें भी यहीं से ही चढ़ना होगा। यह है महल में जाने का पीछे से रास्ता। और जैसा कि मैंने आप लोगों को आगे से दिखाया था, टूटा हुआ था ये रास्ता। ये सीढ़ियां टूट गई हैं। ओए मैं भी गिर जाता अभी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अब अपने अंडर ले लिया है। इसमें ऊपर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, नहीं तो हम आपको ऊपर से भी दिखाते। और ये सारी देखिए इमारत पूरी तरह से खराब हो चुकी है, देख रेख ना होने के कारण, क्योंकि ये वैसी पब्लिकली कर दी गई थी तो इसलिए बड़ा बुरा हालात है इसके। ये देखिए हम चाहते हैं, हम किसी भी डिपार्टमेंट की निंदा नहीं करते, हम सिर्फ इतना कहते हैं कि जो भी हो अच्छे के लिए हो, अच्छा करो। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हवादार है, सुंदर बना हुआ है। अभी मैं यहाँ कुछ फोटोग्राफी करूँगा और वो आप लोगों को भी दिखाऊँगा। चलिए आइए थोड़ी सी फोटोग्राफी करते हैं। क्या आप लोगों ने नोटिस किया, हर दरवाज़ा इस तरीके से लगा हुआ है कि 360 पे वो ऐसे लग रहा है कि देखिए कोई भी दरवाज़ा अलग नहीं हो, मतलब कि एक जैसे पैरेलल तरीके से बना हुआ है। यही एक पुराने ज़माने की चीज़ दर्शाती है। गाइज जो भी यूट्यूबर होता है वो कहीं भी जाता है, आप लोगों से सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता है, ये हमारी धरोहर है,
चाहे वो किसी मुस्लिम राजा ने बनाई थी या किसी हिंदू राजा ने बनाई थी, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि ये हमारी धरोहर है और इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और हम उसकी रक्षा पता कैसे कर रहे हैं ऐसी जगहों पे ये सब करके। अभी ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है और नाइट में भी यहाँ गार्ड होता है और डे में भी यहाँ गार्ड होता है, तब ये हालात है। सोचिए अगर यहाँ कोई नहीं होता हो तो यहाँ क्या हालात हो। मुझे एक चीज़ दिखाई दी है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये पेड़ देख रहे हैं आप, कहने को तो इस पेड़ में पत्तियाँ ही बहुत कम हैं, लेकिन आपको पता है इस पेड़ पर कितनी बर्ड्स बैठी हैं? मुझे नहीं पता आप गिन पा रहे होंगे या नहीं गिन पा रहे होंगे, मेरे पास इससे बड़ा जूम लेंस नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 26 बर्ड्स बैठी हैं और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज की भी है, जिसमें से डव 12-14 हैं, 2-3 बैबलर्स हैं और 2-3 रेड वेंटेड बुलबुल्स हैं। ये एक और ये डव है, देखिए गाइस कितना सुंदर है ये, मैं इसकी एक फोटो भी लेना चाहता हूँ। हमें पूरे इस जगह पे मेरा साथी ये है, बहुत देर से मेरे साथ साथ घूम रहा है ये। ये देखिए गाइस, मैंने अपनी तरफ से बहुत वाइड लेने की कोशिश करी है और मुझे लग रहा है कि मैंने अच्छा शॉट निकाला होगा। ये शायद आप लोगों को ये अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये एक ही फ्लोर तक है। थोड़ा जूम करता हूँ अब यहाँ से, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, ऊपर से पेड़ों के पत्ते और नीचे दूर वो, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने इसलिए इसको फिल्माने की कोशिश करी है। ये देखिए, ये कभी यहाँ पर पानी भरा होने के कारण, ये सॉरी क्या बोल गया मैं, यहाँ कभी पानी भरा होता था और ये ऐसे डिज़ाइनदार बनाए गए थे जो आज पूरी तरह से टूटने को तैयार बैठे हैं। ये देखिए, कभी यहाँ पर फाउंटेन्स हुआ करते थे, चलते थे। यह था वो विशाल दरवाजा। ये देखिए जो ध्वस्त हो चुका है बिल्कुल ही, कभी यहाँ पर एक विशाल दरवाजा हुआ करता था। सारी बात ठीक है, आप लोग कहेंगे आज आप ये क्यों दिखा रही हो, यहाँ तो सिर्फ मनुष्यत ही मनुष्यत है, या कह लो सब टूटा फूटा है, जिसको डिपार्टमेंट ने नहीं लिया, जिसको सरकार ने नहीं लिया, आप क्यों दिखा रहे हो आज इसे? मैं सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ें जो ख़राब हो रही है पर जिन्हें मेंटेन किया जा सकता था अगर हम लोगों का सहयोग होता, या हम लोग इन चीज़ों के लिए पहले बोलते, अभी भी इस पर बहुत कुछ किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। इसीलिए मैं आज अपने व्लॉग में इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। चलिए गाइस, अब टाइम हो रहा है यहाँ से निकलने का, कोई मोटो व्लॉग नहीं, कुछ नहीं, अब सीधा निकलेंगे घर को। हो सका तो थोड़ा सा आपको पार्क दिखाएंगे, बाकी वो भी शायद कोई ज़रूरत नहीं, पार्क तो आप लोगों ने देख रखे हैं दुनिया भर के। तो चलिए फिर सीधा निकलते हैं दुकान पर यहाँ से, और फिर वहाँ से लेंगे खुशी को स्कूल से। चलिए, मुझे नहीं पता ये कितने साल पहले बिछाई गई थी, लेकिन देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन है, ज़िगज़ैग। उस ज़माने में, ये आज तो बनती नहीं ऐसी चीज़ें, उस ज़माने की ही चीज़ है, लेकिन देखिए कितनी सुंदर तरीके से लगाई गई है। ये कुछ इसलिए भी छुपा रह गया क्योंकि ये पार्क के बहुत बैक साइड पे है, इसके आगे बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है ये। मैं घर आ चुका हूँ और घर आकर के देखता हूँ परू थोड़ी सी ठीक है, पहले से बेटर है और खेल रही है, चचे 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 कर रही है। चल सबको हाय गाइस कर दे जल्दी से, हाय गाइस कर दे, हाय गाइस तो कर दे सबको। तो अब पहले से बेटर है, थोड़ा सा खेल रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है, और अब मैं भी बड़ा खुश हूँ, सेटिस्फाइड हूँ, एंटीबायोटिक अपने काम कर रहे हैं। चलिए अब मैं भी खाना वाना खाता हूँ, बहुत देर हो गई, बाहर था मैं, मुझे नहीं पता अभी खुशी आपसे मिली है या नहीं, अगर नहीं मिली तो अभी मिलवाता हूँ आपसे।
गाइस अभी मैं रोटी खा के भी नहीं हटा और मेरी और संजना की शर्त लगी है। शर्त सुनो क्या है, मेरे हिसाब से मेरा चैनल 20 तारीख तक मोनेटाइज हो जाना चाहिए, पर संजना क्या कह रही है कि मैं कह रही हूँ पूरा महीना लग जाएगा ये, कि 30 अक्टूबर तक भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारी शर्त लगी है कि यदि 30 अक्टूबर से पहले मोनेटाइज हो गया तो संजना मुझे 5,000 के कपड़े दिलवाएगी। हाँ। अगर 30 अक्टूबर के बाद यानी कि नवंबर में मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो मैं इसे 10,000 के कपड़े दिलवाऊंगा। हाँ। तो गाइस मैं चाहूंगा कि आप लोग 5,000 के कपड़े वाले का साथ दो, 10,000 वाले का नहीं। तो गाइस बने रहिएगा हमारे चैनल पे, हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज होने वाला है, बहुत करीब है हम दिल्ली के बहुत पास है, दिल्ली हमारे बहुत नज़दीक है, हम जल्दी मोनेटाइज होने वाले हैं। और ये बता दो इसको भी नो गाइस पूरा महीना लगाना है, आप लोग वीडियो पूरी देखिए अंत तक, पूरा महीना लगाना है। 51 तेरे गए, पहले मैं निकालूंगा, चलो शफल, चलो 42 मेरे का नीचे रखो, नीचे रख दे, हम निकालो, हम निकालो। 9 मेरे का है, 7 हो निकालो, 35 1 निकालो, 26 करती है रे तू, 1 निकालो, 1 निकालो, 1 निकालना, 18 22 आजा। सो गाइस मैंने आज पहली बार अफगानी चाप बनाई है, आई होप अच्छी बनी हो। गाइस ये पुदीना और धनिया है और अभी मैं हरी चटनी भी साथ में बना रही हूँ। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ और घर पहुँच गया हूँ और घर आकर बड़ा शांति मिली, तसल्ली मिली, मेरी पव कुछ हद तक ठीक है, शैतानी कर रही है, ये लही मिली पव। और मैं भी उसको देख करके मेरे भी चेहरे पे रौनक आ गई है। जैसा कि आप लोगों ने आज के हमारे इस व्लॉग में देखा, हम लोग शीश महल गए थे, हम लोग नहीं मैं शीश महल गया था एक्चुअल में। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को, हाँ क्या हो गया, गाइस को रोटी खिला रहा है, खा लो आप खा लो, वेरी गुड। तो मैं अकेला इसलिए गया था, एक्चुअल में पहले मुझे ये पता था कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे नहीं लिया है, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि वहाँ जगह जो है वो अनसेफ होगी, मतलब शराबी कबाबी जुआरी नशेड़ी गंजेड़ी वहाँ छुप कर बैठे होंगे, तो मैं इस तरह से इरादे से था कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने लिया तो उसकी चारों तरफ बाउंड्री करा करके गेट बनवाया है, तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और सरप्राइजिंगली देखा आप लोगों ने, वहाँ सिर्फ मैं था और वो जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जिस सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ रखा है उसको, वो था बस, और कोई नहीं था। बाकी इसी वजह से वो जगह जो है हिडन में चली गई है, क्योंकि कोई लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते और इस तरह की जगह थी वो, लोग जाना ही नहीं पसंद कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को जाना था, मैंने आप लोगों को हिडन प्लेसेस दिखाने थे तो वो मैंने दिखाया आप लोगों को। चलिए अब घर आ गया हूँ, खाना वाना खाते हैं। आज संजना ने बहुत फेवरेट चीज़ बनाई है, आपको बताया संजना ने क्या बनाया है, आइए मैं दिखाऊँगा आप लोगों को, खोलो। हाँ आज संजना ने बनाए हैं अफगानी चाप घर पे, जी हाँ अफगानी चाप घर पे, इसमें से चीज की स्मेल आ रही है, बहुत टेस्टी यम्मी खुशबूदार लग रहा है, चलो खाते हैं यार। मैं 3 बार 2 बार बीच में अफगानी चाप लाया यार, मजा ही नहीं आया, गर्म से ठंडे हो जाते थे, रख दे बेटा ठंडे हो जाएंगे फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा। चलिए अब मैं खाना खाने बैठूँ, खुशबू मेरी जान ले लेगी नहीं तो।
तो गाइज आई होप आपको हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर 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 बताइएगा आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं करूंगा पर नहीं।